क्या कहना चाहेंगे कि जो मुल्क बस स्टेशन बना सकता है, इलेक्ट्रिक बस स्टेशन बना सकता है, उस मुल्क को हम गरीब कह सकते हैं? नहीं नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। जो जो कहता है उसको गरीब फिर वो कौन है? वो उसको कुछ भी नहीं कह सकते हम, उसको कुछ नहीं कह सकते। उसको दिमाग ही मत लगा। हां जी सही हो गया। इसी रिलेटेड मैं आपको ना बस स्टेशन दिखाने लगा हूं। ये सर ये बस स्टेशन देखिएगा, देखने के बाद आप बताइएगा कि क्या ये मतलब गरीब मुल्क है। इसमें लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जो बुक चाहिए वो निकाल के पढ़ सकते हो आप लोग। इस बस स्टॉप पे दो सिक्योरिटी सुबह, दो सिक्योरिटी शाम में हमेशा अवेलेबल रहता है फॉर सेफ्टी पर्पस। चार्जिंग स्पॉट कभी देखा आपने बस स्टॉप पे? चार्जिंग स्पॉट यहाँ टाइप सी, यूएसबी पोर्ट, स्विचेस, टाइप सी वाले तो देखो कितने सारे यूएसबी पोर्ट, इतने सारे। और ये देखिए लैपटॉप से लेके लाइब्रेरी चेक करेंगे, कितनी शानदार है। यहाँ पे इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स भी है, बस सिक्योरिटी भी खड़ा। आप अपने चाहने वाले को यहाँ पे लेटर डालो और ये लोग पोस्ट कर देंगे। भैया रात में इसका व्यू ना गजब का ही लगता है, देखते ही बनता है। और यहाँ पे लोग बैठ बैठ के देखते हैं स्क्रीन। पीछे बता दूं जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है यहाँ पे भी लाइट है, होप्स लैपटॉप मोबाइल सब कुछ चार्ज कर सकते हैं। आप बताइए दुबई में हो सकता है ये? दुबई में हो सकता है, ये अफगानिस्तान में हो सकता है, या फिर पाकिस्तान में, या फिर इंडिया में, या और कहीं? दुबई ये देखे रात का व्यू देखे, ऐसा ऐसा व्यू है ठोकर का? नहीं नहीं वो देखा, ये भी हुआ इसका। हाँ नहीं, अच्छा क्या कहना चाहेंगे, कैसे कहेंगे ये मुल्क गरीब है? नहीं गरीब तो नहीं है, लेकिन इतना भी अगर कर सकते हैं, लेकिन इधर कोई ध्यान नहीं है हमारा, सियासतदानों का ध्यान। ये कौन सा मुल्क है? मैंने आपने पहले को थोड़ा गेस किया था, थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करते हैं। ये असल में गरीब मुल्क नहीं है, हम अमीर मुल्क है, अमीर मुल्क है, लेकिन इधर ध्यान नहीं है। इधर ध्यान दे अगर सियासतदान ज्यादा ध्यान दे। कहा आपको गेस करें कि ये कौन सा मुल्क हो सकता है? दुबई हो सकता है, चाइना हो सकता है, अच्छा अफगानिस्तान हो सकता है, बांग्लादेश हो सकता है, कौन हो सकता है? ये दुबई का मुल्क हो सकता है। दुबई हो सकता है? हाँ जी। अगर मैं कहूँ दुबई नहीं है? वैसे बाकी दुबई ज्यादा उधर ही, दुबई में ज्यादा डेवलपमेंट है। अगर मैं आपसे मजाक में ये कहूँ कि ये इंडिया तो मानेंगे आप? मजाक में कह रहा हूँ। इंडिया वो देख उनका बना हुआ है मंदिर वगैरह पास, और उसमें मुश्किल ही होगा। इंडिया नहीं होगा, इंडिया नहीं हो सकता, नहीं मुश्किल ही। अगर मैं आपको कहूँ कि बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश का हो सकता है? बांग्लादेश का क्यों हो सकता है और इंडिया का क्यों नहीं हो सकता? हंस गए आप। बताए ना बांग्लादेश का क्यों, बांग्लादेश का हो सकता है, इंडिया का क्यों नहीं हो सकता? इंडिया पांचवी बड़ी मैशत है दुनिया की। पसीने छूट रहे हैं आपके? नहीं पसीने, असल में वो गर्मी ज्यादा है, मैं भी ना आया, वो अंदर से आया, उधर एसी वगैरह लगे हुए थे। सही सही सही। इंडिया का ही होगा मेरे ख्याल में, उधर उधर इंडिया का ही होगा। इंडिया का होगा? हाँ जी इंडिया का। इंडिया तो गरीब मुल्क है, इंडिया का कहां से हो सकता है सर? चाइना छूना होगा, चाइना वो चाइना तो तरक्की याफ्ता, लेकिन इंडिया का हो गया। इंडिया क्या? इंडिया इंडिया कंफर्म, इंडिया कंफर्म, इंडिया ही है सर। हाँ जी। बताएं कि यकीन क्या था आपने? नहीं पहले मुझे दुबई लग रहा था, पहले मुझे दुबई लग रहा है। भाई देखो ना नरेंद्र मोदी जिसे हम यहाँ पर खड़े होकर चार गालियां देते हैं ना, उसके खिलाफ नारे लगाते हैं, कोई फर्क पड़ा उनको? दुनिया की इतनी तरक्की करके नहीं कोई नहीं फर्क पड़ा उनको, क्या फर्क पड़ता है? फर्क हमें पड़ गया ना? हमें फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, हमें फर्क पड़ गया। देखिए आज हम कहाँ पे हैं, वो कहाँ पे हैं। हाँ जी वो तरक्की याफ्ता हो गए हैं, ये बस ये आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरों के साथ, बस यही है। इंडिया के साथ सुलह कर लेनी चाहिए? नहीं सुलह नहीं करनी चाहिए सर। वजह बता दें सुलह ना करने की। वजह ये है कि वो उनके साथ है, क्योंकि हम उनके साथ सुलह नहीं कर सकते सर। वजह पूछिए, मैंने बगैर किसी वजह के, हमें देखे हमारे दिमाग में क्या चीजें भरी गई है, बगैर किसी वजह के हम नफरत कर रहे हैं, कोई वजह ही नहीं है। बताए नफरत क्यों कर रहे हो, हम सुलह क्यों नहीं कर सकते? हम ये असल में वो जब इधर आते हैं हम उनको इज्जत देते हैं, लेकिन हम बस इज्जत की निगाह तक ही उनको रखा हुआ है बस। तो फिर इसमें गलत बात क्या है? आप उन्होंने आते हैं तो इज्जत देते हैं, ये तो कोई भी दे देगा। तो अब बताए ना अब उन्हें नफरत क्यों है? अब मुझे इसका सवाल का जवाब दे के लेके मैं आज छोड़ूंगा, क्योंकि ये हमने, मैं जिससे भी पूछता हूँ वो कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया यस इंडिया नो। क्यों? अगर हम उन्हें नो कहते तो नुकसान किसका, हमारा या उनका? हमारा ही नुकसान है भाई, हमारा है ना। हाँ जी हमें कैलकुलेशन भी आती है, फिर भी हमारे दिमाग के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं
जो नफरत है जो इंडिया के खिलाफ जा ही नहीं रही। हमारा हमसाया ना वो, हाँ हमसाया के साथ खराब करके, हमसाया के साथ दुश्मनी करके कहाँ तक जाएंगे? थोड़ा इधर हो जाए, कहाँ तक चल सकते हैं दुश्मनी करके? तरक्की नहीं कर सकते हम किसी के, अगर उनके साथ मिलके ही तरक्की कर सकते हैं, लेकिन यह है कि असल में बड़े लोगों को सोचना चाहिए। तो हम गरीब क्या कर सकते हैं इसमें? आप चलो सोच तो अच्छी सकते हैं ना उनके बारे में, कहीं ना कहीं ये तो कह सकते हैं कि भाई चलो कोई बात नहीं यार, हमारा हमसाया अगर कोई तीसरा बंदा कोई गोरा उनके खिलाफ बात करे तो हमें कहना चाहिए खबरदार, हमारा हमसाया हम जाने वो जाने तुम कौन होते हो, लेकिन हम यहाँ पर खड़े होकर इस तरह के बयान देंगे तो लगता है मोहब्बत पैदा होगी। चलो मैं मोहब्बत कर लेते हैं सर, और बताइए आप। अच्छा ही, हाँ जी, ओके। दिल खुश कर दिया आपने, क्या कोई प्यारा मैसेज दे दो। मैसेज क्या देना है, असल में जो ये जो हमारे सियासतदान है इनको सोचना चाहिए हमारे बारे में, इतनी महंगाई की है इन्होंने, इनको मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। जो मर्जी आए हमें कोई टेंशन नहीं है, मौलवी आए या जो मर्जी आए, लेकिन ये है कि असल में गरीब का सोचे, असल में जो महंगाई की है इनके बारे में सोचें कुछ। जबरदस्त हो गया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। ठीक ठाक हूँ। नाम आपका? हबीब। क्या करते हो? होटल पे काम करता हूँ। सही हो गया सर। क्या आपने कभी तस्वर किया कि पाकिस्तान में कभी कोई आपने देखा हो कि इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाया हो जिसके अंदर आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, जिसके अंदर लाइब्रेरी भी बनाई हो और जिसके अंदर एक एक चीज लिखी भी हो, आपकी जिंदगी आसान की हो, इस तरह का कभी आपने कौन सा पाकिस्तान के अंदर सुना? नहीं अभी तक नहीं सुना। नहीं सुना? नहीं। अगर कोई मुल्क इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट लेके आए, अगर कोई मुल्क इस तरह की कोई चीज बना दे अपनी आवाम के लिए, तो वो मुल्क कितना तरक्की कर गया होना? जाहिर है जो बनाएगा तो तरक्की तो होगी नहीं, क्यों नहीं होगी? तो फिर अगर वो मुल्क इतना तरक्की कर गया होना है जो इलेक्ट्रिक स्टेशन बना सकता है, इतनी बड़ी चीजें बना सकता है, तो अगर हम इसे वहाँ यहाँ पर बैठकर हम उसे कहेंगे कि वो गरीब मुल्क है, वो ऐसे है, वो ऐसे, ये बात समझ में आती है? नहीं, फिर गरीब तो नहीं होगा ना, फिर सही मुल्क होगा ना, फिर वो तो अमीर हुआ ना हमसे। बहुत ज्यादा अमीर हुआ ना जी, बिल्कुल। सर मैं आपको वही स्टेशन दिखाना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक स्टेशन, उसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि फिर बताइएगा सर आपकी क्या राय होती है उस पर, आप तो क्या कहोगे इस बारे में? ये हमारे पाकिस्तान में क्या ये पाकिस्तान लगता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्या पाकिस्तान में इतनी तरक्की हुई है? मतलब करने से हो जाती है तो ना करे तो। ये देखिए ना, पाकिस्तान में इस तरह की लिखाई होती है? नहीं इस तरह की। ये देखिए चार्जिंग लैब सब कुछ लगा हुआ, हर तरह की मोबाइल चार्ज कर सकते हो, और एलईडी भी लगी हुई है। सही है। अभी देखिएगा रात को, और रात का नजारा चेक करें, ये चेक करें कैसा लग रहा है। नहीं ये हमारे पाकिस्तान में ये कहीं हो रहा है। ये नजारे देखिए कैसा लग रहा है? सही लग रहा है ना, जबरदस्त जबरदस्त लग रहा है ना जी, बिल्कुल। क्या 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 ये है, कभी पाकिस्तान में इस तरह का निजाम हो सका, आ सकता है? आए तो अच्छी बात है, ना आए तो क्या कर सकते हैं। मुझे तो सुरते आपको देखते हुए लगता है कि आ जाएगा, कोशिश तो है, लेकिन देखो अब क्या होता है। पॉसिबल है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, करने से क्या काम नहीं होता, सारे होते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर पॉसिबल है? हो सकता है, क्यों नहीं होता है। कब होगा ये कब होगा ये जादू कब होगा? चलो ये आगे नेक्स्ट वक्त जो आएगी तो ये पता कौन से मुल्क में, ये तो नहीं पता मुझे कौन से मुल्क में। अंदाजा लगा लो, जो इलेक्ट्रिक बस स्टेशन बना सकते हैं, लाइब्रेरी बना के दे सकते हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें बना के दे रहे हैं, तो ये मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क होगा ना कोई? जाहिर है, मतलब इस मुल्क को हम गरीब कह सकते हैं? नहीं ये फिर गरीब नहीं है, ये अगर इतना सारा कुछ सहूलत मौजूद है फिर ये गरीब नहीं है। सर मैं आपको बताऊंगा तो आप ये मानेंगे नहीं? बता दें, मुझे तो नहीं पता। बता दूं? बता दें। मान लेंगे? मान लेंगे। अगर नहीं माने तो? क्यों नहीं मानूंगा, आप कहेंगे तो मानूंगा। सर ये इंडिया में है? इंडिया में, इंडिया तो कह रहे हैं गरीब मुल्क है, तो वो कैसे इतना तरक्की कर सकता है? सर यही तो मसला, हमें बताया नहीं जाता। तो इससे आया ज्यादा आगे है ना, हमारे को ज्यादा करनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर आपने कह दिया हमारा मुल्क बहुत आगे है, तो बता दीजिए कौन कौन से दो फील्ड में आगे है? सर सारे फील्ड में आगे है, कोई एक दो के नाम में, कंप्यूटर में, हर चीज में आगे है। दिमाग में और कंप्यूटर में, दिमाग और कंप्यूटर में फर्क होता है सर? दिमाग वो है जो आपके दिमाग खोपड़ी के अंदर बहुत ज्यादा चलता है। कहाँ चलता है? मतलब नहीं चला रहे हैं तो क्या करें सर? कहाँ चलता है? बहुत ज्यादा चलता नजर आना चाहिए ना सर। हमको एक बड़ी फैक्ट्री, बड़े से कोई एक इन्वेशन कर दे, एक इजाद कर दे, तो जिससे पूरी दुनिया हैरान हो जाए, अभी तक हमने क्या किया? चलो जो भी कुछ हुआ है तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। आप इस बात को मान लेना, फिर इंडिया ज्यादा तरक्की करता है, ज्यादा तरक्की कर गया ना ऐसे, मतलब यानी हमारे मुल्क को ज्यादा करनी चाहिए ना। हमें ज्यादा किस तरह करना, ज्यादा करनी चाहिए ना उनसे। कैसे मेहनत करेंगे ना, तो मेहनत करेंगे तो होगी ना, मेहनत तो नहीं होगी ना। कौन नहीं मेहनत करता, आप करते हैं? मेहनत करते हैं तो आप करते हैं, मैं करता हूँ तो मेहनत, तो फिर हमारा पैसा कहाँ जाता है?
भाई पैसा भाई किसी जगह पे सही जगह पे लगे तो उसे फिर काम होगा ना, अगर गलत जगह पे लगाएंगे तो फिर नहीं होगा। आप ऐसा पाकिस्तानी क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में? वो तो चलो जैसे भी है, हम तो मुसलमान मुल्क है ना, वो तो दूसरे ना, हमारा तो उनसे वो नहीं है ना, मतलब हमारा ज्यादा अच्छा होना चाहिए ये मुल्क, अच्छा काम ज्यादा अच्छा होना चाहिए, जो जो हमारे है काम तरक्कियां नजर आ रही है तो हमारी भी होनी चाहिए। हमारी क्या तरक्की है कोई बता? हमारी भी तरक्की होनी चाहिए ना, अगर वो बना रहे थे हम भी बनाए ना, हम भी मिलकर सारे बनाए ना। सर दुनिया ने दुनिया की पांचवी बड़ी मस्जिद बना ली, हम भी तो बना सकते हैं, कब बनाएंगे? बस ये देखो अब हुकूमत का भी रोला है, ये हुकूमतें ठीक होंगी तो फिर कुछ बेहतर होगा। सर उनके पास जो फॉरेन रिजर्व है वो 750 बिलियन डॉलर है, हमारे पास 1 बिलियन डॉलर भी नहीं है, तो हम कब बनाएंगे? मुझे मालूम नहीं। सर सही हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यार क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो आप में से कोई एक? लाहौर के अंदर कभी आपने कोई इलेक्ट्रिक बस स्टेशन देखा? इलेक्ट्रिक बस स्टेशन नहीं, मैंने नहीं तो देखा, कभी भी नहीं देखा। नहीं। अगर मैं आपको आज इलेक्ट्रिक बस स्टेशन दिखाऊं, अगर कोई मुल्क इलेक्ट्रिक बस स्टेशन बनाया हो, वो मुल्क ने तरक्की कितनी की होगी? वो तो कम से कम हमने इतनी माशाल्लाह इतनी की होगी, लोग इधर नजर ये हाल में नजर आते हैं। मतलब अगर मैं बताऊं आपको कि किसी मुल्क ने इलेक्ट्रिक बस स्टेशन भी बना लिया, मैं आपको छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, वो वीडियो देखिएगा उसके बाद बताइएगा कि ये मुल्क ने कितनी तरक्की कर ली होगी आपके ख्याल से कि एक मुल्क जो इलेक्ट्रिक बस स्टेशन बना सकता है। ये देखें, ये इलेक्ट्रिक बस स्टेशन है, ये देखिए पीछे बैठने की जगह और ये हर चीज दिखाया हुआ, बच्चों के बैठने की जगह, उसके बाद लाइब्रेरी, किताबें पढ़ सकते हैं बुक्स, रेलवे स्टेशन किसी भी स्टेशन पे बस स्टेशन पे खड़े होकर किताबें पढ़ सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं ऐसा निजाम है? नहीं है, नहीं है, नहीं। अभी देखिए, ये देखिए चार्जिंग कर सकते हैं आप किसी भी किस्म के मोबाइल को, हर चीज को चार्जिंग पे लगा सकते हैं आप अपने, ये देखिए। सही बात है, हमारे मुल्क में यही होना चाहिए, हमारे मुल्क में लड़ाई नहीं खत्म होती, हम क्या करें बताओ? ये पता कौन सा मुल्क है? नहीं बताओ, ये लग कौन सा मुल्क है आपको? आप बताएंगे तो बता देंगे, तो कुछ मुझे तो लगता है हमारे ही मुल्क में तैयार हो रहा है। हमारे मुल्क में लग रहा है? हाँ जी। क्या हमारे मुल्क में आपको लगता है कि जिस किस्म की लड़ाइयां चल रही है तैयार हो रहा है? मैं तैयार हो गया हुआ, ये काफी टाइम पहले तैयार हुआ पड़ा, ये लोगों को दे भी दिया, हमारे मुल्क में नहीं है ये। हमारे मुल्क में लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है और क्या चाहिए, ये आपस में मेरी बात, सर लोग बाहर जो मसाए है वो मजाक उठाते हैं, इनकी आपस में नहीं बनती, इनकी आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा पता क्या महंगाई है, नहीं कितनी हमने खुद महंगाई की हुई है, ठीक है। आप गली मोहल्ले में चले जाओ तो एक दुकान वाले से पूछो तो ये चीज कितने की, अगली दुकान वाले से पूछो कितने की है, आपको फर्क नजर आएगा। बिल्कुल सही। तो ये जो मैंने इलेक्ट्रिक स्टेशन आपको दिखाया, ये क्या लगता है कि अंदाजा लगाएगा कौन से मुल्क के पास हो सकता है ये? ये मुझे तो ये लगता था वो दुबई में हो सकता है, चाइना में हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क में हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है, अफगानिस्तान में हो सकता है, कहाँ पे हो सकता है स्टेशन? ये मुझे तो लगता था बेटा मेरी बात है तो ये कह रहा पता नहीं अपने ही इतिहास में है, क्या कहते हैं इधर दुबई तो जाए चाइना का, दुबई या चाइना का। अगर मैं आपको कहूँ की ये इंडिया के अंदर था, क्या आप मानोगे इस बात को? नहीं हम नहीं मानते, हम इंडिया नहीं मानते, हम इंडिया वाले को नहीं मानते। सर अगर इंडिया के अंदर ये चीजें बन गई हुई तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम क्या करें, हमारे भी चाहिए ना, ये जो हमारे हुक्मरान आ रहे हैं इनको भी चाहिए, वो आगे चले जा रहे हैं, हम पीछे तो पीछे जा रहे हैं, ठीक है। जो चीजें बात आपने की कि आप नहीं मानोगे, तो आप क्यों नहीं मानोगे? हम इसलिए नहीं मानते, उनको मेरी बात सुनो, ये अपन में जो ना हमारा लोग जो हमारे पाकिस्तान के हैं इनके अंदर खलाक इतना नहीं है, हर किसी को पैसों की पड़ी हुई है, हर किसी को महंगाई की पड़ी हुई है, ठीक है, खलाक नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ये सारी चीज खत्म हो गई है। बिल्कुल सही। तो क्या समझते हो आप कि ये जो बनाया है इंडिया ने शाहकार अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, ऐसी कोई चीज आपने कभी पाकिस्तान के अंदर बैठे सोची थी कि यार पाकिस्तान में तो कभी ये चीजें होगी नहीं, इंडिया के अंदर ये चीजें होगी, कभी आपने सोची थी? नहीं सोची थी। तो एक इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो अपने मुल्क के लिए कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो बस यही है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए तो बिल्कुल मेरी बात सुनो, अगर हम काम कर रहे हैं, हम दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, साथ में हमारे 3-4 बंदे, हमें एक होना चाहिए, हमें एक होकर चले तो अपना आगे तो आगे चला जाए, ये लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल सही हो गया। अगर आप कहते हो इमरान खान गलत है, वो गलत है, नहीं एक एक बन के चले जाओ तो देख रहे ये मुल्क कैसे जाता है आगे। बिल्कुल सही हो गया, सबसे आगे दुबई से आगे सबसे आगे ये मुल्क जाएगा अगर रल के सारे काम करे। आज इंडिया हमसे ज्यादा ताकतवर हो गया, आज इंडिया हमारा मजाक उड़ाता है, पाकिस्तान तो तबाह हो गया, पाकिस्तान को तो बर्बाद कर दिया गया। क्या समझते हो आपको क्या पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पता क्या हम हर किसी के नजरों में आ गया, हमारा मुल्क नजरों में आ गया, ठीक है उसके बाद